है, पानी गया होगा बस, कुछ नहीं, घबराओ मत। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे, दिल्ली टू ऋषिकेश। बेसिकली हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने, क्योंकि मैंने तो राफ्टिंग की हुई है मगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने राफ्टिंग नहीं की। पहले मैं भी राफ्टिंग से बहुत डरता था, मगर जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने देखा था कि मैं लास्ट टाइम होली पे ऋषिकेश गया था, वहाँ पे मैंने राफ्टिंग की थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो मज़ा आता है राफ्टिंग करने का वो बहुत ही ऑसम है, तो वही एक्सपीरियंस मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ या उनको दिखाना चाहता हूँ कि राफ्टिंग करने में कितना मज़ा आता है। बेसिकली वो डरते हैं, मैं भी डरता था, बट अब वो मेरा डर निकल चुका है। तो आज है 2nd of May, दिल्ली का मौसम बहुत शानदार है, दबा के बारिशें हो रही हैं। तो जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे तो वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा था कि भाई इस टाइम वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है, मतलब राफ्टिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही, कभी वहाँ पे भी बहुत बारिश हो रहे हो और राफ्टिंग रुकी हुई हो। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे मौसम क्लियर है, आप आ सकते हो, राफ्टिंग वगैरह सब बढ़िया हो रही है, मगर सीज़न इस टाइम ऑन हो चुका है तो प्राइजेस थोड़े बढ़े हुए हैं। लास्ट टाइम हम ऑफ सीज़न में गए थे तो प्राइजेस कम थे। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होली वाली, वो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। इस टाइम हम दिल्ली से 60 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये टोल प्लाजा है काशी का और यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे के सफ़र को। और बीच में मैं आपको दिखाता भी रहूँगा कि हम कहाँ कहाँ रुके, और अगर CNG फिलअप के लिए रुकूंगा तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और इन दी एंड मैं आपको एक समरी दूंगा कि हम लोगों को क्या क्या एक्सपेंसेस आए, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, फ्यूल का क्या खर्चा आया, रहने का, खाने पीने का सब क्या खर्चा आया, तो वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। तो अब इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम रुके हैं CNG फिल कराने, और यहाँ पे जो CNG का प्राइस है वो है 81 रुपीज़ 58 पैसे। और ये जो CNG पंप है ये IHM मेरठ है, उसी के सामने है ये CNG पंप। करीब 88 किलोमीटर हम अभी चल चुके हैं, लेट्स सी कितनी CNG आती है। तो 88 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में जो CNG आई है वो आई है 4.135, मतलब अराउंड 20-22 का एवरेज मुझे इस टाइम मिल रहा है हाईवे पे, और विद AC कंटिन्यूसली। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जो जगह का नाम है वो है शिवपुरी। और अभी गाड़ी चली है, वो चली है करीब 253 किलोमीटर्स, और जो मैंने फिल कराया था लास्ट वो IHM मेरठ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वहीं से फिल कराया। उसके बाद कहीं हम लोग नहीं रुके, कोई रिफिल नहीं कराया, और रास्ते में इतनी दबा के बारिश थी, इतनी दबा के बारिश थी पूछे मत, वरना हम कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आ जाते। और अभी 9 बज चुके हैं, करीब हम 7 बजे तक पहुंच जाते अगर हमें बारिश नहीं मिलती, तो हम लोग आराम आराम से आ रहे थे। और अभी जो मेरे पास CNG बची है वो 1 पॉइंट है, मतलब 1 पॉइंट अभी हुआ है, अभी तक 2 पॉइंट चल रहे थे। तो जहां हम स्टे कर रहे हैं वो सेम वही जगह है जो हम जब मैं होली के टाइम आया था वहां स्टे किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का क्या सीन है, लोकेशन क्या है। तो ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट नहीं है, रोड पर ही गाड़ी खड़ी होती है और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। तो मेन जो रीज़न है यहाँ रुकने का वो ये है कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे सारे कैंप्स बने हुए हैं यहाँ पे। और मेन रीज़न जो है वो ये है कि यहीं पे से ही राफ्ट्स वगैरह मिलती हैं, मतलब जो इनका कैंपर होता है जिसमें राफ्ट वगैरह रख के लेके जाते हैं, लोगों को बिठा के लेके जाते हैं, वो यहीं से जाएगी। और जब हम लोग ऊपर से राफ्टिंग करते हुए आएंगे तो वो हमें यहीं उतारेंगे, एकदम कैंप के सामने जहाँ आप रिवर देख रहे हैं वहीं वो उतारेंगे। तो हम लोगों को फालतू कहीं चलना वलना नहीं पड़ेगा, अपना यहीं से गाड़ी लेके जाएगी और यहीं पे छोड़ेगी। तो ये एक बेनिफिट है, इसलिए हमने सोचा कि यार कहीं कोई नई और जगह क्या एक्सप्लोर करनी। जहाँ हम पहले रुके थे वो कम्फर्टेबल स्टे था, सब कुछ बढ़िया था। एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा, लास्ट वीडियो में तो था ही, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या जगह है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या इस टाइम क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं एक बार नीचे चला जाऊँ। तो जो नीचे जाने का रास्ता है वो ये है, गाड़ी वो खड़ी और हम यहाँ से जाएंगे नीचे। बहुत स्टीप है, स्लिपरी है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि देखिए अगर आप सब कोई बुज़ुर्ग आ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है, उनको उतरने में चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर आने में हमारे ही घोड़े खुल जाते हैं, इतनी सांस फूल जाती है, और नीचे उतरने में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो कोई बुज़ुर्ग होगा, खुदा ना खास्ता कोई स्लिप हो गया, तो ट्रिप की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे।
ये आप देख सकते हैं कितना नीचे है, और हमारे मित्र उतर रहे हैं नीचे, और बड़ा संभाल संभाल के उतरना पड़ रहा है। मुझे खुद डर लग रहा है, मैंने दूसरे शूज़ पहन रखे थे, वो स्लिपरी थे, इसलिए उतार के अब सैंडल पहन लिया। तो ये है कैंप साइट पूरी, और वो जो सामने वाला टेंट है, एक ये है हमारा और एक वो वाला हमने होल्ड करा दिया इसके बगल वाला। तीन दोस्त हैं मेरे, वो रास्ते में है अभी, वो थोड़ा देर से निकले थे। तो यहाँ का जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहीं सामने पूरी नदी बह रही है, आप यहाँ आराम से नीचे जा सकते हो। एक तरह से बीच वाला फील आता है कि आप बीच पे जाके बैठे हुए हो। बाकी थोड़ा सा ड्रिजलिंग है, बूंदाबांदी हो रही है, और ये बीच में इन्होंने बना रखा है आप डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप अपना नाश्ता, इस टाइम तो 9 बज रहे तो नाश्ता चल रहा है, बाकी लंच डिनर सब कुछ यहीं सब होता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, और इस टाइम जो इन्होंने हमें प्राइस दिया है वो है 1000 रुपीज़ पर हेड विद ऑल 3 मील्स। तो अभी थोड़ा सा हमारा डाइसी हो रहा है कि हम लोग रात को यहाँ स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम इतना शानदार हो रहा है, तो हमारा दिल कर रहा है कि मसूरी चले जाएँ ऊपर। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे जब तक हमारे बाकी के फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा खा पी के हम लोग राफ्टिंग करने जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, यहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। मगर एज इफ नाउ ये है जगह, ये है प्रॉपर्टी, और बाकी नाम वाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीफोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपका भी इन फ्यूचर का भी प्लान बने तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जब राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो बता दूंगा प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, कितने किलोमीटर की राफ्टिंग हम करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस टाइम बज रहे हैं 3:00 PM, और आप मौसम देख सकते हैं, पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं, और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। सारे दोस्त मेरे रेडी हो चुके हैं राफ्टिंग के लिए, और अब हम स्पॉट पे जाएंगे। यहाँ से कार के थ्रू हमें, जो उनकी कैंपर होती है और उस पर राफ्ट रखी हुई होती है, उसके थ्रू हमें वो वहाँ कहीं स्पॉट है उनका, वहाँ लेके जाएंगे। फिर वहाँ से राफ्ट स्टार्ट होगी और यहीं पे हमें ला के छोड़ेगी। 12 किलोमीटर्स की आपका पूरा राफ्टिंग होगी, 16 किलोमीटर्स का भी ऑप्शन था, मगर वो बहुत हमें आगे तक ले जाता, फिर वहाँ से वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो हमारे लिए 12 किलोमीटर ही सफिशिएंट है। और 12 किलोमीटर की राफ्टिंग के लिए जो ये हमसे चार्ज कर रहे हैं वो है 620 रुपीज़ पर हेड। तो अब चलते हैं ऊपर, और वहाँ से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन होंगी। सो अब हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी, तो इस गाड़ी में बैठ के हम लोग आए हैं उस पॉइंट तक। अब ये राफ्ट को नीचे लेके जाएंगे, हम लोग भी सारे नीचे जाएंगे, फिर वहाँ हमारी ब्रीफिंग वगैरह होगी और फिर वहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी। सो फाइनली अब हम लोग हो गए हैं रेडी, और अब होगी हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट, और उसके बाद ये फ़ोन चला जाएगा। ये भैया के पास जो पाउच है इसमें ये रख लेते हैं। गुड आफ्टरनून, ओके, आप सभी का वेलकम है वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में। रिवर बुजुर्गानी गंगा मैया, मेरा नाम मुकेश भंडारिया, मैं आपके साथ इस राफ्ट में गाइड रहूँगा। इस जगह का नाम है स्टार्टिंग पॉइंट मरीन ड्राइव एंडिंग पॉइंट आपका शिवपुरी, ठीक है। तो ये आपको राफ्टिंग कराया जा रहा है सेफ्टी के साथ कराया जा रहा है, उसके लिए आपके पास 3 कमांड दिया है। फर्स्ट है PFD, सेकेंड है हेलमेट, थर्ड है पैडल। PFD पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस की जो हेलो कीजिए, इधर देखिए हेलो। ओके टीम, नेक्स्ट रैपिड कमिंग, रैपिड नेम 3 ब्लाइंड माउस, अंधे चूहे। हाँ, एक रैपिड है, 3 पार्ट है इसके, ठीक है। हाँ, अच्छा रैपिड है, साइड बैठिए, पाँव को लॉक कीजिए, इतना लॉक करना पाउंड निकल जाए, इतना लॉक मत करना जितना आपने किया कर रखा है। निकालो एडी को, निकालो बाहर निकालो, पहले सिर्फ एडी को ऐसे में रखो। हाँ ठीक है, इतना लॉक करना, मुड़े ना। हाँ, अगर कोई इनकेस फॉल आउट हो जाता है डोंट पैनिक, अगर कोई गिर गया पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और रैपिड टाइम प्लीज डोंट साउंड, कोई बातें नहीं करेगा, मैं कमांड दूंगा आपको सुनाई नहीं देगा। चलिए पैल फॉरवर्ड, स्टॉप टीम स्टॉप।
चलिए पैडल फॉरवर्ड। हाँ साइड वाली रोप, अगर दूर जाना है तो तब उस लंबी वाली रोप को खींच लेना बाद में, पहले उस साइड वाली में। हाँ आराम से उतरना है, नहीं तो आपके माउथ में पानी जाए। आराम से उतरना। हाँ जाओ सर, आप भी जाओ। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे जो भी उस्ताद हैं, ये आज हमारे साथ पहली बार पानी में कूदे हैं। आ जाओ भाई, हम बोट के पास रहेंगे। नहीं सर, किनारे जाना है सर, जहाँ पे आप रुकेंगे ना वहाँ पे भी बीच है ऐसे ही। तो फाइनली हम लोग राफ्टिंग करके आ गए हैं और हमने बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया और भैया ने बहुत बढ़िया राफ्टिंग कराई और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और मौसम ने बहुत साथ दिया, पहले तो एकदम हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती थी मगर अब थोड़ा थोड़ा सूरज निकल गया है, छोटी छोटी धूप हो गई, बहुत मज़ा आया। आपको भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए लाइफ में, एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इस टाइम बज रहे हैं करीब सुबह के 9:30 और बहुत मौसम यहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इस टाइम टाइड्स भी बढ़ गई हैं। जब हम लोगों ने कल राफ्टिंग की थी 3-4 बजे करीब तो पानी में इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं टाइड्स कम थी, मगर अब जो है सुबह सुबह के टाइम बहुत अच्छी टाइड्स आ रही हैं। तो जो लोग इस टाइम राफ्टिंग कर रहे होंगे उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा। या पानी देख रहे हो सामने, इस टाइम दिख रहा होगा आपको हल्की हल्की सी इसमें लहरें दिख रही हैं। तो यहाँ एकदम शांत था कल दिन में जब हम लोगों ने करी थी तो एकदम शांत था और इस टाइम यहाँ तक टाइड्स हैं, तो आगे की तरफ तो बहुत तगड़ी टाइड्स होंगे। तो इसका भी मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है किस टाइम आप राफ्टिंग कर रहे हैं। तो खैर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने यहाँ नहीं किया है, हमने सोचा कहीं बाहर करेंगे। तो राफ्टिंग वाला सिनेरियो तो यहाँ ख़त्म हो गया, बाकी टोटल एक्सपेंस वगैरह क्या आता है वो सब मैं आपसे थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ऋषिकेश से हम लोग निकल चुके थे, हरिद्वार भी हमने क्रॉस कर लिया। ऋषिकेश के बाद एक सीएनजी पंप मिलता है श्यामपुरा में, मगर वो पंप पे लिखा था कि सीएनजी अभी उपलब्ध नहीं है। तो अब जिस पंप पे हम हैं ये है हरिद्वार नेचुरल गैस का, ये हरिद्वार के जस्ट बाद में आता है और करीब 304 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है 13 किलो गैस पे, मतलब 13 किलो अगर हम 80 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो लमसम 1000 रुपये की सीएनजी पे 300 किलोमीटर में चल गया, करीब 3-3.25 रुपये पर किलोमीटर का मेरा खर्चा आया। और यही सफ़र अगर मैं पेट्रोल पे करता तो करीब करीब इस टाइम 12.5 का एवरेज दिखा रही है मेरी गाड़ी, 12.5-13 का एवरेज मुझे मिला है अगर मैं MID के हिसाब से जाऊँ पेट्रोल पे, तो करीब करीब मेरा 25-1 लीटर पेट्रोल तो कहीं नहीं गया, 25-27 लीटर पेट्रोल तो कहीं नहीं गया। तो दैट मीन्स अराउंड 2500-2700 रुपये का पेट्रोल तो लग ही जाता। तो CNG पे मेरी मोटा मोटी 1500 रुपये की सेविंग हुई है अभी तक इस ट्रिप पे जहां हम पहुंच चुके हैं। और अभी हम CNG फिल कराएंगे, 7-8 किलो गैस आएगी और यहां पे मेरे ख्याल से 90 रुपीज़ का प्राइस है, तो 7-8 किलो पकड़ लो आप 750-800 रुपये की गैस आएगी और वो पूरा दिल्ली तक मुझे पहुँचा देगी, मतलब अभी जो 225 किलोमीटर का मेरा सफ़र बचा है
वो पूरा मेरा लगभग सीएनजी पे ही हो जाएगा। तो पूरी ट्रिप अगर मैं ये 200 किलोमीटर पेट्रोल पे भी करूँ तो 20 लीटर पेट्रोल तो लग ही जाता, 20 लीटर मतलब 2000 और, मतलब 4500 रुपये का अगर मैं पेट्रोल पे चलता तो ये पूरा ट्रिप मेरा 4500 रुपये का होता पेट्रोल पेट्रोल का। और वही ट्रिप मैं इस टाइम करीब पकड़ लो 1800 रुपये में मैं कर दूंगा। तो सेविंग तो अभी भी 50% से ज़्यादा की ही है सीएनजी पे। तो एक चीज़ और, जब भी आप अपनी गाड़ी को सीएनजी पे जैसे किसी ट्रिप पे जा रहे हो, सीएनजी पे चला रहे हो, 70-80 किलोमीटर आप चल चुके हो, आपको जहाँ सीएनजी पंप दिखे आप वहाँ पे टॉप अप करा लो। क्योंकि होता क्या है, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि और चला लेता हूँ आगे टॉप अप करा लूँगा, तो देखिए हमें पता नहीं होता आगे जो पंप है वो कहीं अंडर मेंटेनेंस तो नहीं है, गैस ख़त्म तो नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप अपना टॉप अप कराते चलो 70-80 किलोमीटर बाद, गाड़ी को भी रेस्ट मिलेगा, आपको भी टांग सीधी करने का टाइम मिलेगा और सीएनजी भी फिल हो जाएगी। तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है मेरी गाड़ी में सीएनजी, तो देखते हैं कितनी गैस आती है। और यहाँ जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, हरिद्वार में थोड़ी सी गैस महंगी है। तो जो गैस आई है मेरी गाड़ी में वो आई है 7.5 किलो 400 ग्राम 732 रुपीज़ की। अब मेरे ख्याल से ये गैस सफिशेंट है दिल्ली तक पहुँचने के लिए, बाकी अगर जाम वाम मिला तो एवरेज गिरेगी। तो बाकी देखते हैं एंड में मैं बताता हूँ क्या टोटल एक्सपेंसेस आए। सो फाइनली हम लोग अब दिल्ली पहुँच चुके हैं और अब हम खड़े हैं सीएनजी पंप पे। और जो मेरी टोटल गाड़ी चली है वो 515 किलोमीटर चली है पूरी ट्रिप पे, और जो सीएनजी हमारी यूज़ हुई है वो सिर्फ 20 किलो, और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 25 का एवरेज मिला है गाड़ी पे, करीब 3 रुपये पर किलोमीटर का मुझे एवरेज मिला। और यही सफ़र 500 किलोमीटर अगर मैं पेट्रोल पे करता तो करीब से करीब आप पकड़ के चलो मिनिमम से मिनिमम 45 लीटर्स पेट्रोल तो लगता, मतलब 4500 रुपये का। तो अभी 20 किलो मेरा सीएनजी लगा है, अगर हम 100 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो 2000 रुपये की सीएनजी लगी है, फिर भी आधे से ज़्यादा की हमारी सेविंग है। तो टोटल जो हमारा खर्चा आया 3000 रुपये हमारा स्टे, जिसमें कि तीनों मील्स थे हमारे, राफ्टिंग का 600 रुपये पर हेड, 2000 रुपये पकड़ लेते हैं उसका, तीन बंदे थे हम, तो 2000 वो हो गए, 3000 का स्टे हो गया, 2000 की सीएनजी हो गई, तो हमारा ये टोटल हो गया 7000 रुपये। और 1000 रुपये का टोल पकड़ लो 8000 रुपये, और 2-3000 रुपये का जो भी हमने इधर उधर रुके, खाया पिया हमने बहुत बेतुका इधर उधर बहुत खाया पिया, तो 3000 आप उसका पकड़ लो, 11000 रुपये में हमारा बेहतरीन ट्रिप ऋषिकेश का हो गया। बाकी जहाँ हमने स्टे किया था उसकी मैं फ़ोन नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कभी आपका प्लान हो तो आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हो। और बहुत ही बजट, मेरे हिसाब से बहुत ही बजट था, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है फ्यूल एफिशिएंसी को लेके होता है, क्योंकि भाई मेरा सीएनजी का काम है, तो सीएनजी पे गाड़ी चलाना आज भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी परेशान करती है, लैग करती है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ इसी से करता हूँ, सीएनजी पे ही मोस्टली गाड़ी चलती है, लगातार 200-300 किलोमीटर एक ही बार में चलती है। तो कोई ऐसा लोगों को डाउट होता है कि यार पता नहीं सीएनजी गाड़ी ज़्यादा लंबा चल पाती है नहीं पाती, तो बहुत आराम से जितना मर्जी लंबा आप गाड़ी को चलाओ, बस आपकी गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, प्रॉपर सर्विस आपकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता सीएनजी पे भी। हाँ, आपको बहुत फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी कि आपकी सेविंग हो जाती है। अब आप देखो ना, मैंने 2500 रुपये इस ट्रिप पे बचाए, आप अगर मैं पेट्रोल पे जाता तो 2500 रुपये लगते, वो 2500 रुपये हम लोगों ने खाने पीने में इस्तेमाल कर लिए एक तरह से, अगर हम सोचें साइकोलॉजिकली, अगर बंदे की साइकोलॉजी होती है तो वो 2500-3000 रुपये हमने एक दूसरे पे खर्च कर लिए, खाने पीने पे खर्च कर लिए, ट्रिप को और लैविश बना। तो खैर इसी के साथ ये ट्रिप यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप मुझसे सीएनजी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।